देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सो हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ही हमें निकालना है। तो देखिए एक थ्योरम होती है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम दोनों में से कोई भी हम केस ले सकते हैं, तो एडजॉइंट ए इंटू ए ये हम लेते हैं इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इंटू ए इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट ए, और आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं 100001001। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए 000 डिटरमिनेंट ए 000 डिटरमिनेंट ए। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट का साइन हम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, और ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट ए 000 डिटरमिनेंट ए 000 डिटरमिनेंट ए। सो अब क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इंटू, और ये डिटरमिनेंट ए हम इसके साथ अलग लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तीनों कॉलम से अगर हम डिटरमिनेंट ए को कॉमन लें तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए क्यूब, और ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट 100010001। तो एक हमारा यहां से कट जाएगा, तो यहां पर पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर है, ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।